रोज कमाते हैं। नमस्कार, मैं भाषा और इस समय मैं खड़ी हूँ यमुना खादर पे, मयूर विहार फेज वन के ठीक सामने। यमुना जहाँ बहती है और जहाँ हजारों की तादाद में मजदूर रहते हैं, छोटी बड़ी खेती करने वाले लोग रहते हैं, नर्सरी चलाने वाले लोग रहते हैं, और इस समय जो आपको दिखाई दे रहा है वह किस तरह से 15 अगस्त पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा कर रखी है कि हर घर तिरंगा, वह तिरंगा किस तरह से लहरा रहा है गरीब के घर पे, इसकी जीती जागती तस्वीर दिखाई दे रही है हमको कि तमाम लोग जो भारतीय नागरिक हैं, जो वोट देते हैं, वे सब रातों रात पानी भरने से सड़कों पर आ गए हैं, सारा अपना सामान बहुत मुश्किल से बचा के लाए हैं, और सबका यह कहना है कि बड़े पैमाने पर उनका सामान वहीं छूट गया है। आप लोग यहाँ कब आए? आज से ही आए हुए हैं, तब यहाँ खाना नुकसान हो गया यहाँ पे। क्या करते थे आप? खेती करते थे। कितने लोग हैं वहाँ जो यहाँ पर आए? अभी तो हम लोग 5-6 हैं, उसके बाद इधर आजकल पर 100 आदमी है, 100 से ऊपर है। सबके घर डूब गए? सबका डूब गया, राशन पानी किसी कोई पैसा भी नहीं निकाल पाया, पर अचानक पानी आ गया। आधा सामान रह गए, सब जमने पाई गई, सामान रह गया और देखते थे पानी में कैसे कैसे ले आते, सब थोड़े आए बच्चन को जो खान पीने को सौदा आता है मुश्किल से ले आई। पानी अचानक आया, कोई अनाउंसमेंट भी था? कुछ ना, अचानक आया। क्या काम करते हैं आप लोग? खेती। कितने लोग होंगे? इसी साइड पानी आया, उस साइड भी आया है? चारों तरफ का पानी। अब तक हमारे लोगों ने गरीब आदमी का देखो दीदी, हमें आज 30 साल हो गए, 30 साल में मोदी लोगों को कोई सही है, चाहे हमारी सरकार के तरफ से पहले में हमारी गाँव ने सुविधा ना करी, सुविधा कब ना करी। हाँ, जब वोट डालेंगे मैं तो बहन तो हाथ जोड़ रहा है, हमारी वोट डाल दी तो तुम्हारे ऐसा करेंगे, कुछ ना करेंगे। आपको दिखाई दे रही है नंदनी, छोटी सी बच्ची खेती पर रहती है अपनी माँ और बच्चों के साथ। ये सारे लोग लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं और इस समय झंडा ले रहे हैं, शायद आज़ादी और यह झंडा इनके लिए बहुत कुछ